वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सुल्तान राही के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, नासिर अदीब साहब हमें कोई वाकया सुना दे सर, आप अपनी बात वहीं से कर दीजिए। ना जी, वो सवाल तो नाज़रीन को भी याद होगा जो धर्मेंद्र ने मैसेज किया था, तो मैं सोच में पड़ गया और सोच के मैंने जवाब ये दिया कि जी उनमें मैंने बस ये खूबी देखी जो मैंने किसी भी नहीं देखी कि अगर सुबह 4 बजे शूटिंग पैकअप हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा, तो वो 4 घर चले गए और 6 बजे बल्कि 5:45 बजे आ गए और बिल्कुल फ्रेश होते थे, यानी 22 घंटे काम करने के बावजूद। ये मैंने किसी में नहीं देखा। तो धर्मेंद्र कहने लगा, यार ये काम तो मैं भी करता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जब अरूज होता है तो इंसान को थकन नहीं होती। तो कोई और ख़ूबी बताएं। मैंने कहा जी इसके अलावा तो मैं नहीं समझता। ये भी कहा इंसान बहुत अच्छे थे फलान, कहना जी हम भी बहुत अच्छे हैं। 3-4 जवाब दिए लेकिन वो मुतमिन नहीं हुए। तो मैंने कहा जी बताएं, तो वो कहने लगे ये आपको शम्मी कपूर बताएंगे। तो शम्मी कपूर ने मुझे बताया कि नासिर अदीब साहब, दुनिया के किसी भी आर्टिस्ट में वो ख़ूबी नहीं है जो सुल्तान राही में, और वो ये है कि स्क्रीन के ऊपर 1.5 सफ़े का ड्रामा बोल रहा हो, 2 सफ़े का बोल रहा हो, 3 सफ़े का बोल रहा हो, जितना भी बोल रहा हो, उसने ज़िंदगी में कभी आँख नहीं झपकी। आँख नहीं झपकी? हाँ जी, कहते हैं दुनिया का हर आर्टिस्ट जो है उसकी आँख झपक जाती है 2 लाइनें बोलने के बाद। तो अगर आपको ना यकीन है तो फिर देखें। फिर मैं जब पाकिस्तान है, मैंने अपनी फिल्म डाकू राज देखी, उसकी उसमें 1.5 सफ़े का ड्रामा था। अब यकीन करें 1.5 सफ़े का ड्रामा बोला और एक ही शॉट था और आँख नहीं झपकी। आँख नहीं झपकी? नहीं। और आप फिर भी देख ले जब। अच्छा, ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया, आपने बताया। अच्छा नासिर अदीब साहब, जैसे हम उनकी पर्सनालिटी और उनकी जो तबीयत थी उसके हवाले से बात करें, लेकिन जब एक राइटर लिख रहा होता है, जब वो कोई करेक्टर बना रहा होता है, तो उसके माइंड में एक इमेज होता है कि उसको जस्टिफाई किया जाए या उसके साथ सही इंसाफ हो। आपको कौन सा करेक्टर ऐसा सुल्तान भाई का लगता है कि मैंने इनको सोचकर बनाया था और प्रॉपर जस्टिफाई हुआ? मैं आपको सही बताऊँ, मैंने जिंदगी में जब भी कहानी लिखी ना, पहली फिल्म चूँकि मेरी वैशी जट थी तो सुल्तान राही मेरे सामने था, उसके बाद दूसरी फिल्म लिखी तूफान तो उसमें भी सुल्तान राही था, तीसरी आखिरी मैदान लिखी उसमें सुल्तान राही था, चौथी लौरी बादशाह लिखी उसमें भी था, पांचवी जग्गा गुजर लिखी उसमें भी था। ये कंटिन्यू 5 फिल्में हिट थी। उसके बाद मैंने कभी किसी आर्टिस्ट के लिए लिखा ही नहीं। मैं जब भी कहानी लिखने बैठा तो सबसे पहले सुल्तान राही आ जाता था। अरे वाह, खूबसूरत। अभी मैं नासिर अदीब साहब से पूछ रही थी कि जब एक राइटर होता है, उनको एक प्रॉपर फेस चाहिए होता है लिखने के लिए, तो मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी और मैं चाहूंगी कि मैं आपके मुंह से नाज़रीन सुने कि आप जब लिखते हैं तो आपको सुकून नहीं चाहिए होता बल्कि शोर चाहिए होता है। जी मैं समझता हूँ कि तन्हाई में इंसान को इबादत याद आती है, आमद नहीं होती। मुझे तो नहीं होती, तो मुझे तो जब तन्हाई मिले तो मैं तो या नफल पढ़ना शुरू कर देता हूँ या तलावत शुरू कर देता हूँ या सो जाता हूँ। अच्छा। लेकिन जब मुझे लिखना होता है तो मैं शोर बर्दाश्त करता हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द लोग हो, आपस में बातें कर रहा हूँ, कहके लाग रहा हूँ, और लेकिन वो ना हो तो फिर मैं टीवी आवाज़ से पूरी से लगा लेता हूँ। मुझे याद है मैं जब गांव में होता था और गांव में जब मैं कोई चीकू मेरा फंसता था अपने घर मिलने जाता था, तो वहाँ टीवी तो नहीं था, तो वो शोर भी मेरे पास नहीं होता था। कोई काम पे चला गया तो मैं अकेला था, तो फिर जब मैं क्या करता था, मैं रेलवे लाइन पे पास चला जाता था। वो ट्रेन गुजरती थी ना जब, उसकी जो गड़ 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 के वो शोर आता था, तो मेरे जहन में फंसा वो दिमाग चल पड़ता था। अरे जबरदस्त। अच्छा अभी मौलाज़ 2 वो भी आप ही लिख रहे हैं, जिसका सीक्वल बन रहा है जी, क्योंकि ये सीक्वल नहीं है जी। सीक्वल नहीं है? अच्छा, टोटली कहानी डिफरेंट है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि क्या वो सुल्तान राही वाला फेस इस मूवी में है या नहीं, या टोटली ऑपोजिट है? आप यूं कह लें कि कैरेक्टर्स वो है लेकिन कहानी टोटली डिफरेंट है और उसका सीक्वल भी नहीं है। और आपके माइंड में वो सुल्तान राही वाला इमेज बिल्कुल नहीं था, आपने जिद्दत के साथ जी मेरे जब देखो था ही नहीं तो, और ये एक यूं कह लें एक अना का मसला भी था। मुझे सब ने कहा कि ये ना लिखें, अब आप क्या लिखेंगे, होता है ना कि लैंडमार्क होता है। बिल्कुल, एक स्टैंड सेट होता है। मैंने कहा देखें जी, ना मैंने वो लिखी थी ना मैं ये लिखूंगा, वो भी मुझे अल्लाह ने अता की मैंने लिख दी, तो ये भी अल्लाह अता करेगा मैं लिख दूंगा। तो वो फिर मैंने लिखी, चैलेंज समझ के लिखी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने स्क्रिप्ट मुकम्मल करने के बाद सबसे पहला सवाल अपने डायरेक्टर बिलाल लाशारी से यही किया था कि आपने वो मौला जट भी देखी, आपने मौला जट लंदन भी देखी, आपने वैशी जट भी देखी, आपने रोशन जट भी देखी, ये सारी जट सीरीज मेरी लिखी हैं। बिल्कुल, आपका ये स्क्रिप्ट मैंने मुकम्मल किया, आप मुतमिन हैं कि आप मैंने सही लिखा या उससे बेहतर लिखा? तो उन्होंने कहा नासिर साहब, आपने मेरा स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट से बेहतर लिखा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है
तो आगे अब पब्लिक के सामने आए उसका टीजर, उसके ट्रेलर से ही बहुत ज़्यादा एक तो अब अल्लाह उसको नजरें बद से बचाए, मैं यही कहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस फिल्म के बाद जो कराची में उर्दू फिल्में बना रहे हैं वो डायरेक्टर पंजाबी फिल्में बनाएंगे इंशाल्लाह। नासिर अदीब साहब, आपने सबसे ज़्यादा आपने ही मैं सुल्तान रही की फिल्में ली जी, तो उनके किरदार जो थे वो एक जैसे ही थे, बदमाश और रोल, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अगर नासा ख़त्म हुआ तो उसके बाद कलाशनकोफ आ गई ये वो, लेकिन उसमें आपके जहन में नहीं आया कभी कि इसको थोड़ा चेंज दें, इनके अंदर सलाहियतें हैं, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए कोई और तरह का, यानी बदमाश और इस किरदार से निकाल के कोई लिखो? बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने और इसका जवाब थोड़ा मैं 2 मिनट लूँगा। बात यह है कि जुल्म जो होता है वो बार बार भी आपके सामने हो तो वो आप पर असर डालता है। कभी ऐसा ये होता है कि आप क्या क्या लगाते हो, बोर हो जाते हैं, लतीफ़े सुनते हो, लेकिन आप अगर देखते हैं कि एक आदमी सड़क पर किसी लड़की को मार रहा है, घसीट रहा है, आप पर असर होगा, फिर किसी लड़के को मार रहा आप पर असर होगा। जुल्म कहीं भी होगा वो आप सुनेंगे तो भी असर होगा, आप देखेंगे तो भी असर होगा, और अगर उस जुल्म का कोई रिवेंज लेगा तो आपके दिल के अंदर हमेशा खुशी होगी कि ये जुल्म मैंने, और आपको सेटिस्फेक्शन, और मैंने हाँ, और मैंने सारी जिंदगी इसी चीज़ को सामने रखा कि मैंने पहले सुल्तान राय पे जुल्म करवाया, उसके बाद उसने उसका रिवेंज लिया और मेरे अवाम मेरे साथ रहे और वो व्यूअरशिप, और ये मेरे और सलीम जावेद की वहाँ वो डिस्कशन हो रही थी गुलाम मुहिद्दीन के हवाले से, वो बात है कि जावेद अख्तर मिलने आए थे तो मुझे गुलाम मुहिद्दीन ने कहा कि वो आए तो आप मिले, मैंने कहा मैं उनसे मिलने नहीं जाऊँगा, वो मेरे से पूछा कि आप, वो लंबी बात है लेकिन मैंने कहा कि मैं उनसे बड़ा राइटर हूँ, हालांकि मैंने ये कहा नहीं लेकिन वो हिंदुस्तान की वजह से ज़रा मेरे जहन में था। तो वो जब मैं इंडिया गया तो जावेद अख्तर ने वहाँ मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा यार ये जुमला आपने बोला हुआ है, आप मेरे से बड़े राइटर हैं तो इसकी वजह बता दें। मैंने कहा जावेद भाई वो कुछ में गुरूर नहीं था, वो एक प्रोफेशनल जालिसी भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये हकीकत है कि अगर उसको मेयार बनाया जाए तो मैं आपसे बड़ा राइटर हूँ। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखें आप जान निसार अख्तर के बेटे, वो एक बुलंद पैशार थे, आप मजाज लखनवी के भांजे हैं, आप शबाना आजमी जैसे बीवी के शौहर हैं, ये भी आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा मेरा बाप अनपढ़, मेरी माँ अनपढ़, मेरे भाई अनपढ़, मेरी बहनें अनपढ़, मैं चिट्टा एक वाहिद पढ़ा लिखा गांव का आदमी और कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं, कोई मेरी स्टेज नहीं थी, मैं एक लाहौर में आकर यहाँ क्लर्क हो गया अपने लिखने के शौक़। मैंने कहा मैंने अपना एक मकाम बनाया, ठीक है, आपके पास हीरो था अमिताभ बच्चन, क्लर्क भी अच्छा लगता है, रोता हुआ अच्छा लगता है, नाचते हुए अच्छा लगता है, बदमाशी करते हुए अच्छा लगता है, गाता हुआ अच्छा लगता है, रोमांस करता अच्छा लगता है, हर लिहाज में अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे पास जो हीरो था वो था सुल्तान राय, उसको एक ही काम आता, मैं तेनू नहीं छड़ांगा बस। मैंने कहा मैंने सारी जिंदगी एक ही स्क्रिप्ट लिखा, एक ही करेक्टर लिखा, आप लोग 7 साल के बाद फ्लॉप हो गए, अमिताभ बच्चन के लिए आप नहीं लिख सके। मैंने कहा मुझे तो इस 24 साल। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात रही। अच्छा जनाब, आप चूंकि हमें ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब, बहुत अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, और जनाब थैंक यू वेरी मच ताइब बुखारी साहब आपके। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, और भी मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।